एनसीसी 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन के तत्वाधान में सोमवार को एनसीसी कैडेट्स की छात्राओं द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए मास्क का मलिन बस्तियों में पहुंचकर वितरण किया गया। इस दौरान एनसीसी के अधिकारियों द्वारा वहां पर मौजूद बड़े बुजुर्ग और बच्चों को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। उन्हें बताया गया कि अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, किसी भी इमरजेंसी में बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर अपने हाथ को साबुन लगाकर करीब 20 सेकंड तक धोएं और सामाजिक दूरी बनाकर लॉकडाउन का पालन करें। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स की छात्रा रुचि त्रिपाठी, शालू, आराधना और खुशी आदि की अहम भूमिका रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीमा राय ने कहा, इधर खड़े हो आप लोग, चलो भाई थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ पहनाइए ना, नहीं जाइए, हाँ बेटा चलो अब जाओ उधर, उधर जाओ पहनो सुबह शाम, अगर ढीला है तो उसमें गांठ बनाना, पीछे गांठ बना था कि आ जाएगा, खड़े हैं, आप लोगों को पता है ना कोरोना कितनी तेजी से हमारे देश में फैल रहा है ना, सबसे बढ़िया इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है इसका, अभी तक हमारे देश में इसका इलाज नहीं हुआ है, तो सबसे बढ़िया इलाज है इसका सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि एक दूसरे से आप लोगों को थोड़ा दूर रहना है। 10 साल से छोटे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना है और 7 साल से ऊपर को ऊपर और 10 साल से छोटे लोगों का विशेषकर ख्याल रखना है। आपको पता नहीं चलेगा कि कोरोना कब आपके घर पे आ गया, आपके परिवार को हो गया, उससे आपके पड़ोस में फैलेगा। पहले हमारे भारत के अंदर केवल एक मरीज आया था, उससे बढ़ते बढ़ते आज के दिन हमारे 20,000 से ऊपर हो गए। मरने वालों की संख्या पता है आप लोगों को कितनी हो गई है? अभी गोरखपुर, आपका गोरखपुर जो जिला है वो खुद ही अभी ऑरेंज में चल रहा है, पहले ग्रीन में था, धीरे धीरे रेड में आएगा। अगर हम लोग ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे और हम लोग अपने वो नहीं करेंगे, अब तो मास्क लगा के नहीं घूमेंगे, बहुत तेजी से फैल रहा है ये चीजें हमारे देश के अंदर। तो 10 साल से छोटे बच्चों को कृपया बाहर ना निकालें, कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से जाते हैं तो प्लीज मास्क लगा के जाएं, ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन के जाएं, आने के बाद अपने हैंड वॉश करें, है ना, और आप कपड़ों को तुरंत उसके बाद चप्पल अपनी जूते चप्पल जो भी आप पहन के आते हैं उनको थोड़ा साइड करिए, है ना। हर चीज में कोरोना की लाइफ अलग अलग है, लोहे में अगर कोरोना आता है तो 48 घंटे तक जिंदा रहता है वो, 48 घंटे के अंदर आप अगर उसमें हाथ लगाएंगे तो रहेगा, लकड़ी में 24 घंटे तक, ठीक है। आप लोग जागरूक बने, है ना, तभी आप लोग कहते हैं इससे अपने का आपको बचा पाएंगे, इसका इलाज नहीं है ये आप लोगों को भी पता है ना, इलाज नहीं है इसका अभी तक। अगर आपके घर में किसी को बुखार आता है, गले में दर्द बुखार की शिकायत होती है, प्लीज आप टोल फ्री नंबर दे रखे हैं सरकार ने, यहाँ पे अभी हर जगह टोल फ्री नंबर बटे हुए हैं, आप अगर जो नेट चलाते हैं वो भी देख सकते हैं, वहाँ फोन करिए, आप लोगों का चेकअप होगा, छुपाइएगा मत। 8 से 10 दिन बाद इसके लक्षण पता चलते हैं, तब तक वो इंसान बहुत लोगों को फैला चुका होता है। तो अगर किसी को भी बुखार खांसी ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी इंसान अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में बाहर से आ रखा है, तुरंत सरकार को उसकी रिपोर्ट करिए, तब तक वो फैला चुका होगा कोरोना, आपकी बस्ती में आपके पड़ोस में फैला चुका होगा तब तक कोरोना। तो आप लोग उसके देखिए, ध्यान दीजिए, अगर वो छुपा बैठा है घर में तो प्लीज अगल बगल भी आप ध्यान दें कि उसकी खबर करें, नज़दीकी आप लोगों के यहाँ पे बहुत जगह नाके लग रखे हैं, पुलिस को या किसी भी स्वास्थ्य विभाग को उसकी खबर करें, और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन अगर आपकी बस्तियों में आता है किसी कारण से उसका सपोर्ट करें। टाइम पर लॉकडाउन करने से बहुत ही रोकथाम हुई है, अगर किसी को भी ऐसी शिकायत होती है खांसी बुखार तो वो प्लीज अपना चेकअप कराएं और पक्का कराएं, तब तक जब तक ये लक्षण 6 से 8 दिन में आ रहे हैं और तब तक वो इंसान बहुत लोगों को फैला चुका होता है ये चीज़। मैं जिसे सीमा राय 15 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी, एनसीसी गर्ल्स बटालियन की 25 कैडेट्स ने अपने घर में रहकर खुद दिए गए कपड़ों से मास्क बनाया और यहाँ लाकर गरीब और मलिन बस्ती में जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मास्क का, उनको वितरित किया और उन्हें जागरूक करके उन्हें जानकारी दी कि किस तरह से कोरोना से हम लड़ सकते हैं इस मास्क के प्रयोग से।